कैमरी को ये सूचना मिली थी कि 7 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से उनके गांव चकिया हयात नगर में घूम रहे हैं और ये आज रात में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उनकी सूचना पर एसओजी टीम को उनके साथ भेजा गया और मौके पर 3 बदमाश जिनका नाम सराफत, सबीर और मोहम्मद मशहूर है, इन्हें पकड़ लिया गया और 2 मोटरसाइकिलें मौके से बरामद कर ली गई जो इनके द्वारा चोरी की गई। मौके का फायदा उठाकर के 4 बदमाश भाग गए हैं। इन बदमाशों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने 2-3 घटनाएं बताई जिनमें एक शाहबाद में हुई डकैती का खुलासा हुआ है जिसका माल बरामद हो गया है। इसके अलावा थाना कैमरी की 2 घटनाएं खुली है जिसमें मोटरसाइकिल जो चोरी गई थी वो मिल गई है और एक घर में जो लूटपाट की गई थी उसका मोबाइल बरामद हुआ है और उससे संबंधित गहने बरामद हुए हैं। शेष अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, ये तो अभी शुरुआत है रामपुर के लिए और हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो ये गैंग के अपराधी है उन्हें भी, अन्य जो भी गैंग है उन सब के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो सब इन सब आपराधिक घटनाओं में लिप्त है उनको गैंगस्टर एक्ट और अन्य संबंधित जो एक्ट है उनमें गिरफ्तार कर जेल में रखने का प्रयास जारी रहेगा। इस खुलासे पर हमारे जो पुलिस अधीक्षक भानु भास्कर महोदय ने टीम को 2500 रुपए का नगद इनाम की घोषणा भी की है। इनका ये रोल था कि ये कच्छा पहन लेते थे इस बात को लिए कि पुलिस भ्रमित रहे, जनता भ्रमित रहे कि ये कच्छा बनियान गिरोह का काम है, जबकि ये यहीं के रहने वाले मुरादाबाद और रामपुर और बरेली के आसपास के रहने वाला गैंग है। समस्त गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि ये गैंग न सिर्फ मुरादाबाद, बरेली और रामपुर में घटनाएं किया है बल्कि इसने उत्तराखंड की भी कई घटनाओं को कबूल किया है जो इनके द्वारा पूर्व में की गई। कितने लोगों की गिरफ्तारी इनको ये रहता है कि ये दिन अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरा साल भर सही गुजरेगा, कहीं पकड़ धकड़ नहीं हो पाएगी, इस विश्वास के साथ कर रहे हैं। और ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसके गिरोह के और सदस्य वो उत्तराखंड से भी जुड़े हैं, जनपद के आसपास के अन्य जनपदों से जुड़े हुए हैं और इन सब को शीघ्र गिरफ्तार किया। कई डकैतियां इन्होंने सिविल लाइन में और मुरादाबाद में और बरेली में पूर्व में की है जिनको इन्होंने द्वारा बताया गया है, बाकी और इनसे सख्ती से जानकारी ली जा रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। ठीक है।